गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू। ईद उल अजहा के दूसरे दिन शाम अपने सारे सेफ्टी गैजेट्स रखने के बाद हम लोग अपना वेकेशन मनाने के लिए निकले, रेडी टू डिपार्चर नॉर्थ की तरफ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सवाद मोटरवे। और सबसे यहाँ पे बुरी बात ये चल रही है कि मेरे सोते सोते इन्होंने सारा रास्ता कवर कर लिया। ये क्या तरीका है? मैं भी सो रहा था। आतिफ भाई ने मुझे बताया कि तूने सोते सोते बहुत कुछ खो दिया। तो आतिफ भाई मैंने क्या क्या खोया? बड़े कहते हैं जो सोता है वो खोता है। वो खोता है। अभी मैंने क्या क्या खोया? नहीं खोया नहीं है, वो खोता है। अच्छा मैं सारे रास्ते सो के भी अभी इसने क्या करना है? सोना है। कलाम से पहले बहरीन में हमने पीछे बीसी होटल से नाश्ता किया है। बीसी होटल मतलब बहरीन कॉन्टिनेंटल, सही है? जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। तो अब हम लोग कर रहे हैं आगे कलाम, कलाम बाजार के अंदर हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और उसके बाद हमने आगे जाके करनी है कैंपिंग। और इस ट्रिप में सुहेब भाई भी हमारे साथ है। सुहेब भाई कैसा लगा? बड़ी जल्दी नहीं बता दिया, बहरीन बता रहे हैं। ये फूल ये नजारे पहचान है हमारे। बहुत रश है। तो भाईजान अभी फिल्म यह है कि कलाम के रास्ते में और लास्ट हम ऑलमोस्ट कोई 4 घंटे से ट्रैफिक जैम में फंसे हुए। और ट्रैफिक भी ऐसी कोई डैश किस्म की है कि भाई जी गाड़ी बम्पर टू बम्पर। पिछले 4 घंटे से मैं कहता हूँ 3 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा। हाँ एग्जैक्टली। और अभी 22 किलोमीटर रहता है कलाम के लिए। नाश्ता करके जब से हम निकले हैं हम रश में फंसे हुए हैं। दुआ कीजिएगा, दुआ आपने क्या करनी है, जब तक ब्लॉग आना है हमने तो वापस भी आगे आना है। ए ब्लॉग लाइव। देखो भाईजान यहाँ पे मसला ट्रैफिक का कुछ नहीं है। मसला ट्रैफिक का ये है कि 2 लेन्स बनी हुई हैं। ट्रैफिक का मसला नहीं, आवाम का मसला है। आवाम का कीड़ा है, ठीक है? उसका नाम नहीं मुझे पता कौन सा कीड़ा है, ठीक है? एक लाइन यहाँ से है, एक लाइन यहाँ से जाए, सारे लोग ठीक है, लेकिन इन्होंने चलना है। तो अब भाईजान फंसे रहो ट्रैफिक में, क्या कर सकता है कोई। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी हम लोग कलाम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। यहाँ से हमने डीजल भराया है क्योंकि हमने ऊपर जाके कैंपिंग करनी है, उसका सामान लेना है। भूख के थोड़ी मरेंगे वहाँ पे। अटलांस भाई इस टाइम सफ़र कर करके थक चुके हैं। लुकमान भाई वेब इंजॉय कर रहे हैं। आतिफ भाई मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं। सुहेब भाई रिवॉर्ड्स इकट्ठा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और साथ भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं अम्मी को डिटेल्स दे रहा हूँ। ओके। और जी मैं इस टाइम यहाँ पे आके बैठ चुका हूँ। हमने खाने के लिए ऑर्डर दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम कलाम आके शॉपिंग वगैरह करेंगे ताकि हम आगे जाके कैंपिंग कर सके। तो प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि यहाँ पे रश इतना था कि हमने सफर किया इंग्लिश वाला। हाँ कि बहुत मुश्किल से सफर पूरा हुआ है कि कलाम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हमारी हिम्मत नहीं है वहाँ पे जाके हम कुछ बनाएं खाएं। ये जी यहाँ पे वेव के खींच रहे हैं यहाँ पे। अगर तो भाजी आप देख रही हैं तो व्हाट इज दिस बिहेवियर से बताओ। तो जी कलाम से आगे निकलने के बाद हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं साथ भाई? छोटा मोंडन लेक, सिर्फ रात गुजारने के लिए। यहाँ पे हमने पीछे अपना टेंट वेंट लगा लिया और टेंट के सामने जो सीनरी है ये तो आपको सुबह ही पता चलेगा क्योंकि अभी रात में मैं दिखा नहीं सकता के पैसे हम सुबह बताते हैं। और मिलते हैं आपसे सुबह क्योंकि अभी बहुत नींद आ गया है। सुहेब साहब नींद आ रही है? बहुत नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम समवेयर रोड। हम लोग इस टाइम जा रहे हैं कुमराट वाली साइड पे क्योंकि हमने वहाँ पे जंगल में कैंपिंग वैम्पिंग कर ली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी हम कुमराट जा रहे हैं, इस रोड की खासियत क्या है?
इस रोड की खासियत है कि हमें सब लोग मना कर रहे हैं कि ना जाओ, बहुत खतरनाक चढ़ाई है। दिल दिल पाकिस्तान जा रहे हैं। साथ भी इतना ज़्यादा आसान रास्ता था, ये रास्ता चूज़ करने की क्या वजह थी? बस वैसे ही मैंने कहा थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाए। एडवेंचर करते करते इतना एडवेंचर हो गया है कि अरसलान गाड़ी से बाहर नहीं। और शर्ट से जजमत कीजिएगा मुझे, ये मैं ड्राइविंग करते हुए यही पहनता हूँ। लकी शर्ट, ये लिखा हुआ है अल्लाह अकबर और साथ दो गए चल रहे। कैसा लग रहा है सर? सांस फूल रही है। हम कितनी हाइट पे होंगे? 4000 मीटर ऊपर होंगे। ये एक झंडा लगा हुआ है। मसला ये नहीं है यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, मसला ये है कि यहाँ तक झंडा लगाया किसने? भाईजान हम लोगों ने खतरनाक सफ़र कर लिया और इस टाइम हम लोग थल में खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं कुमराट, वहाँ पे कैंपिंग करनी है, उसके लिए सामान लेना है जो कल रात को हमने मिस कर दिया था। यहाँ पे हमने सारा सामान उठाना है। अभी यहाँ पे सारे मुझे बेइज्जत कर रहे हैं कि मैंने सारे रास्ते व्लॉग नहीं किया। नहीं, मैं सारे रास्ते सोता रहा हूँ ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं सारे सोता रहा हूँ। ठीक है यार, देखिए मेन जगहों पे मैंने कैप्चर कर लिया, लेकिन ये लगता है मैंने नहीं किया, बट वेट फॉर द रिजल्ट, मैं आप सबको कह रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक सफ़र के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं दरोश, और यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है द डेंजर बॉय ऑफ आवर ट्रिप। जब भी हम नॉर्थ का ट्रिप करते हैं हम उस बॉय को अपने साथ मिलाते हैं। सो प्लीज़ वेलकम अरबाज भाई इन द हाउस। यार मेरा पूरा ख्याल था किसके इसके ऊपर अरबाज भाई कैसे हैं आप? शुक्र है यार, आप लोगों का इंतजार था, आप लोग आ गए मेरे एडवेंचर के पार्टी। अब हम कल कहाँ जा रहे हैं? कल हम इंशाल्लाह परसान जाएंगे। तो जी कल हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे साल में कोई 50-60 टूरिस्ट जाते हैं, और वो बहुत ही डेडलीस्ट रोड ऑफ पाकिस्तान है, उसका एक अलहदा पार्ट 2 आएगा। ये सिर्फ तुझे लग रहा है? अभी मैं तेरी तरफ देखा, तू मुझे नहीं देख रहा था? मैं बाहर की तरफ देख रहा था। आसान यकीन कर, अल्लाह माफ करे, वो जिस टाइम कब्र के बिल्कुल साइड पर रखते ही है ना, अभी तेरे वहीं पर लिथर शुरू हो जाना।